कैसे हाल चाल सभी के, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं प्रियंक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने चिपियाना में एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो कि हमारे यहाँ पे 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रखा है, 10 किलोवाट की दो बैटरियाँ लगा रखी हैं, 5-5 किलोवाट की दो बैटरी है। दोनों बैटरी आपस में पहले ही कनेक्टेड है और उसके बाद बैटरी की और इन्वर्टर की सिंक्रोनाइजेशन हो रखी है। ये हमारा है AC DB, इधर है DC DB, यहाँ पे बैटरी MCB लगी हुई है और यहाँ पे जो लोड चल रहा है, यहाँ पे 3 AC है और बाकी पूरा घर का लोड है। अभी क्या है कि ये पूरा सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1x1। ये हमारा इन्वर्टर है और इन्वर्टर की डिस्प्ले पे जो लोड चल रहा है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैमरे को नज़दीक ला के। ये जो लोड इस समय आउटपुट लोड चल रहा है 4.52 किलोवाट का लोड चल रहा है और बैटरी जो हमारी चार्जिंग पे है तो ये 52.4 वोल्ट पहुंच चुकी है। और ये हमारी बैटरियां हैं, ये मेन मेन्यू, ये बैटरी 92.9% हो गई है और ये वाली बैटरी 93% हो गई है। दोनों बैटरियां हमारी आपस में पहले भी कनेक्टेड है और दोनों बैटरियों के सिंक्रोनाइजेशन होकर हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। और ये बैटरी वाईफाई मॉनिटरिंग है इनमें, बैटरियों में भी और इन्वर्टर में भी। तभी क्या है, इस इन्वर्टर के अंदर डबल MPPT है, 4-4 किलोवाट के 2 MPPT लगे हुए हैं। और अभी क्या है कि चलते हैं छत पे चलने के बाद आपको दिखाते हैं सोलर मॉड्यूल और उसका जो स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से डिजाइन किया है, वो सारी चीज़ जिस तरीके से हमने कंड्यूट के थ्रू वायर नीचे लगाए वो भी सब चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए छत पे आने के बाद आपको मैं दिखाता हूं यहां पे हमारे सोलर मॉड्यूल लगे हैं। तो 12 मॉड्यूल इधर लगे हुए हैं, 2 मॉड्यूल हमारे इधर लगे हुए हैं और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमने लगाया है ये GI स्ट्रक्चर है। टोटल स्ट्रक्चर हमारा नट बोल्ट पे टाइट है और कुछ इस तरीके से हमने लगाया है, काफ़ी मजबूत करके लगाया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो कंड्यूट के थ्रू हमने डबल अर्थिंग कर रखी है, यहाँ पे AC वाली अर्थिंग भी और DC वाली भी, प्योर कंड्यूट के थ्रू यहाँ से पूरा वायर नीचे गया हुआ है। और पीछे की तरफ से मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारा सोलर स्ट्रक्चर लगा हुआ है। क्या है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, ये हमारी पीछे वाली लेग है और इस लेग के साथ में डाली हमने साइड ब्रेसिंग और साइड ब्रेसिंग के साथ में हमने डाला है ये क्रॉस ब्रेसिंग। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को जीरो करने के लिए हमने ये क्रॉस ब्रेसिंग लगाई है, इससे स्ट्रक्चर में रिजिडिटी आ जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ग्राउंडिंग करा दी है, बहुत अच्छी तरीके से हैवी ग्राउंडिंग है। अब इस पर क्या है कि विंड प्रेशर का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हर एक सोलर मॉड्यूल के बीच में प्रॉपर तरीके से गैप दिया गया है। और यहाँ कई बार क्या होता है कि सोलर स्ट्रक्चर में सी चैनल लगा देते हैं और क्लिट लगा देते हैं, तो यहाँ हमने क्लिट का यूज ना करके हमने नट वोल्ट का यूज किया है। सोलर की लाइफ ज्यादा हो जाती है और क्लिट के जो लॉसेस है वो मैं आपको बता दूं, जो विंड प्रेशर है उसका साइक्लिंग लोड की वजह से क्लिट लूज हो जाती है, उसके नट फ्री हो जाते हैं और वो क्लिट निकल जाती है और निकलने के बाद हमारा सोलर उड़ के बाहर चला जाता है, तो उससे हमारे बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, हमारा पूरा सोलर डेड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो टोटल नट बोल्ट पे हमने यूज किया है और ये नट बोल्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा, जो हमारा सोलर रखा हुआ है स्ट्रक्चर के ऊपर, ये पूरा डेड वेट कैलकुलेट होकर रखा जाता है, इससे सोलर की लाइफ और इसके परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।